था माने मुझे बात बताई तेरी बहन ऊपर वाले से मांगती थी भाई फिर एक दिन ऐसा आया जब पैदा हुआ मैं मेरी बहन के लिए छोटा सा शहजादा मैं छोटे होते करते थे बहुत सी शरारत मार पड़ती थी उससे बुरी होती मेरी हालत घर घर टीचर टीचर खेलते थे पापा के घर आने की खुशी का कोई सा था गम धीरे धीरे छोटे से बड़े होते गए हम धीरे धीरे छोटे से बड़े होते गए हम ये फिर एक दिन ऐसा आया when I was in chotti दी गई हॉस्टल मेरी बन गई बूटी पापा थे उदास माँ मेरी थी रूठी पर फिर भी उसको चाहता था कह के जूठी न लगा पापा का दिल ले आए घर वो वापिस दीदी ने कर दिया हॉस्टल को खुदा हाफिज सबके चेहरों पे खुशी छाने लगी क्योंकि घर की रौनक घर वापस आने लगी पर मैं तो हूँ भाई मुझे पड़ता फर्क नहीं आराम से बात कर तू मुझे पे भड़क नहीं सताता कल पाता मुझे बहुत मजा आता गुलाब जामुन बोल मैं उसको बुलाता जान जान के मैं उसको बहुत ही रुलाता पर बात यहाँ फिर भी खत्म नहीं होती आई दीदी की ग्यारहवीं वो आगे रोती रोती लिया मेडिकल सबने बोला आगे बढ़ फिर वो छोड़ के चली गई हमको चंडीगढ़ दो साल वहां उसका वेट किया मैंने दिल कर था चले जाऊं उसके पास रहने पर जैसे तैसे उसने बारहवीं पास कर ली छुट्टियां पढ़ते ही उसने जर्मन पढ़ ली मैं फिर से खाने लगा उसका ब्रेन एक दिन चली गई उड़ के यूक्रेन दीदी सच्ची बोलू मेरा तुझसे कोई नहीं है बैर ना ही शिकायत ना ही मेरा कोई भी कर्ज मैं तो निभा रहा हूँ अपने भाई होने का फर्ज थैंक यू।